ये है हमारे छोटू भाई दादा माला हल्कू ये बात धन्यवाद क्या बात तालियां तालियां और 51 मुद्राएं भैया हमारे हल्कू महाराज कब रही आपके माध्यम से पुरस्कार हमारे आदित्य भैया के लिए जिन्होंने इस जवाब को लिखा है कि चरणों का जवाब हाथों से बहुत बहुत धन्यवाद है गीत ना हूँ गर्म गीत हो गए हमारी तरफ से इसीलिए मैंने आपके कहने से ही भोजपुर का कटपी शुरू कर दिया थी एक गीत और ये गीत एक एल्बम का है दादा फिल्मी दुनिया वालों ने तो नहीं गाया इसको लेकिन अल्ताफ रजा जी ने इसको गाया है वो गा रहे हैं के ला 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 तुम तो ठहरे परदेसी सनी भैया और क्या तिनके का बाण छोड़ दिया तो कौवा अपने प्राण बचाते बचाते भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचा यानी नर्मदेश्वर बाबा के दरबार में पहुंचा और जब भोलेनाथ के चरणों में पहुंचा कहा भोलेनाथ मुझे बचा लीजिए भोलेनाथ ने कहा अच्छा तूने मेरी माँ समान जानकी के पैर में चोंच मारी है और माफी मांग रहा है भोलेनाथ ने कहा सुन सुन ऐ कौवे ऐ दुष्ट भोलेनाथ ने कहा ऐ कौवे के बगल में लिए हो छुरी और जब बाबा जी हमारे राम सजीवन बाबा लिख रहे हैं तो फिर आप तो निकल ही जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए भोलेनाथ ने कहा है कौवे कौवे के बगल में लिए हो छुरी मुख पे जिसके नाम आए के बगल में लिए हो छुरी और मुख
जो बबूल ऐ कौवे बगल में लिए हो छुरी मुख पे जिसके राम आए तो जो बबूल अरे जो बबूल बोया तो अरे हाथ कैसे आम आए मुहावरे वाली डायरी निकल आई है लेकिन एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। लाल वाली है बोले ना आपने कहा है कौए ए कौए कहा है भाई इतना अपराध के कोयले की दलाली में हाथ हो जब आप लोगों ने गीत सुना होगा तो इसमें बीच बीच में अल्ताफ रजा शेर भी पढ़ रहे हैं, भोलेनाथ भी पढ़ रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि अंधों में काना राजा तू लाल मुझक्कर हो गया। देखिए सब मुहावरे चल रहे हैं, मुहावरे हैं। अंधों में काना राजा तू लाल मुझक्कर हो गया, हाथी और मेढ़े का ये कैसा टक्कर हो गया, और घर में नहीं दाने अम्मा भुनाने चल पड़ी, घर में नहीं दाने अम्मा भुनाने चल पड़ी, अरे गुरु तो गुरु था लेकिन चेला शक्कर हो गया। तो कोयले की दलाली के कोयले की दलाली में हाथ होते हैं काले। बगल में माँ पार्वती बैठी है तो भोलेनाथ ने इशारा किया अपना उल्लू ये अपना उल्लू अरे अपना उल्लू सीधा करने अरे ये नमक हराम एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ भैया लोगों से, दादा गीत में केवल मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, एक भी लाइन अलग अलग से नहीं फिट है। समझो, समझाने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों का तो पूरा जीवन कीर्तन में गया है। और क्या? देखे भोलेनाथ ने कहा सुनो सुनो के जैसी करनी वैसी भरनी बात ये पुरानी है तूने सीता के पैर में चोंच मार दी, जैसी करनी वैसी भरनी बात ये पुरानी है, क्योंकि अकेला अकेला चना कभी भार फोड़ सकता नहीं। भैया शेर भी सुनते रहिए, अकेला चना कभी भार फोड़ सकता नहीं, नग्न स्नान करने वाला वस्त्र निचोड़ सकता नहीं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अरे ये गुड़ भरा हसिया है इसे तू छोड़ सकता नहीं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा है जयंत ऐ कौए ऐ कौए कि यदि सुबह का भूला हुआ ए लौट घर को शाम आए बड़ी अच्छी बात लगाई है जो उनके गाने की जान है। भैया उन्होंने कहा
संजय भैया, जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, फिर तुम मिली दोबारा यूं माहे फरवरी में, जैसे के हम सफर हो कोई ना है जिंदगी में, कितना हसी जमाना आया था मार्च लेके, वादे वफा पे थी तुम यादों की टॉर्च ले। क्या बात है बेटे, दादा देखिए अब मुहावरों के माध्यम से भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि है कौए कौए हो, अब पाड़े हैं पछताते, अब पाड़े हैं पछताते, वही चने की खाते, देखो ये सर मुड़ाते है ओले बरस जाते, सर ओखली में देकर जो चोट को डरता है, ना वो चने चबाकर बेमौत वो मरता है, वो आधी छोड़ करके जो एक को है धावे, आधी मिले ना उसको और एक भी ना पावे, आधर के आगे रोवे तो अपनो दीदा खोवे, लेकिन समय पड़े पर गधा भी आप हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, सब मुहावरे चल रहे हैं दादा, यह जल्दी जल्दी रटा हो रही है, परेशान मत हो दादा, घबराइए मत बिटिया, कोई ऐसा गाना नहीं गाएगी जो आपसे फिसल जाए, बढ़िया जवाब देंगे, फिर तुम पढ़े चलो, क्योंकि जवाबी का आनंद तभी है जब जगह दी जाए, जब जगह दी जाए तब तो जवाब ही है। कलाकार आजकल अपना तो गाता है, दूसरे का बताकर जवाब खराब कर देता है और फिर कार्यक्रम खराब हो जाता है। मैं ये नहीं करूंगी दादा, सुनिए। अब पाड़े हैं पछताते, वही चने की खाते, देखो ये सर मुड़ाते है ओले बरस जाते, सर ओखली में देकर जो चोट को डरता है, ना को चने चबाकर बेमौत वो मरता है, वो आधी छोड़ करके जो एक को है धावे, आधी मिले ना उसको और एक भी ना पावे, आंधर के आगे रोवे तो अपनो दीदा खोवे, लेकिन समय पड़े पर गधा भी बाप हो। बिच्छू का मंत्र तूने देखा सुना न भाला, फिर सांप के इस बिल में है हाथ का है डाला, जब दांत होंगे खट्टे तू लोहा मान लेगा, जिद में तू अपने पापी कितनों की जान लेगा, मन में बसे विधाता फिर भी बनी है दूरी, प्रग ढूंढता है वन में कुंडल बसे कस्तूरी। पूरा खानदान ही खराब है, पूरा खानदान खराब है, दोनों ने ही लगाया कलंक का ये टीका, उसने छली अहिल्या तू दोषी जान की का, लेकिन अंत में भोलेनाथ ने एक शिक्षा दी। भोलेनाथ ने कहा कौए एक बात समझ ले, सुन ले, के खुद ब खुद कोई प्यासा कुएं के पास आता है, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं जाता, तो ए जयंत, खुद ब खुद कोई प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मेरे राम से, राम से, मेरे राम से जो पैर करे तो कैसे फिर आराम आए,
और जयंत का हाल कैसा हो गया? और क्या कि जैसे कुत्ता धोबी का, अरे घर ना घाट काम आए, बोलिए सच्चे दरबार की। गीत बहुत अच्छा है। कौन सा? गीत आया कि तुम तो ठहरे परदेसी, बगल में लिए हो छुरी, बगल में लिए हो छुरी, अरे मुंह पे जैसे मुख पे जिसके राम आए, अरे बगल में लिए हो छुरी, अरे मुख पे जिसके बबूल बोया तो, जब बबूल बोया तो, अरे हाथ कैसे आम आए। ये बार बार है कौए कौए बीड़ी पी रहा कौआ, वो भी झूठी। एक बात और कह दिया, कौवे कौवे बगुले। एक बात और गांधी जी ने कह ना कि दादा कौवा काना क्यों हो गया? अभी तो आप खुद ही जानती हो। हाँ, कौवा क्यों काना हुआ? और हम बताएं तो समय और ज्यादा जाएगा। सभी विद्वान लोग जानते हैं कि इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर के माता सीता के चोंच मार दी थी, तो प्रभु श्री राम ने एक तिनके से उसकी एक आंख तोड़ दी थी। लेकिन क्रांति जी, जो शायद आपको नहीं मालूम, दादा वो बता दे जा रहे हैं। एक भगवान श्री राम बैठे थे और उन्होंने तो मन में विचार आया कि अपराध इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में किया था, दंड उसको मिलना चाहिए था, लेकिन पूरे कौवे की प्रजाति को ही ये दंड मिल गया, यानी सारे कौवे काले हो गए। ओ सारे
तो भगवान ने, क्रांति जी नोट करिए, भगवान ने कौओ को फिर चार वरदान दिए, चार वरदान। कहो तो बता दूं क्रांति जी? ना अभी नहीं, चलिए अच्छा छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़िए, कौन कौन से चार वरदान दिए ये सवेरे हमसे पूछना, बता दें। हाँ बहुत भयंकर गीत गा दिया क्रांति जी ने, जो बबूल बोया तो हाथ कैसे आम आए, पूरा गीत आपका मुहावरों से बंधा है। कोयले की दलाली में हाथ होते हैं काले, ये तो सब ठीक था, लेकिन जैसे पहले लोग मट्ठा देते थे फिर उसके पार ऊपर से खाता डाल देते थे लोग, तो ये घाता भी छोड़ा नहीं क्रांति जी ने, और देखे जैसे कुत्ता धोबी का घर का ना घाट का, ताकि कहीं दादा यहां से भी ना निकल जाए। ये बहुत चालाक। सुनिए क्रांति जी, जवाबी है तो प्रयास देखिए। राम और कुंभकर्ण का जब युद्ध हुआ, मैं विद्वान श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियों को सुनिएगा, पीछे युद्ध हो रहा, सवाल सुना है तो जवाब भी सुनिए। जब रावण, जब राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ और राम के साथ में कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा, विभीषण को देखा तो विभीषण कुंभकर्ण के पास गए, क्योंकि छोटे थे कुंभकर्ण बड़े थे, तो कुंभकर्ण को प्रणाम किया, भैया प्रणाम किया। प्रणाम जब विभीषण ने तो अश्रु थे बहने लगे, तो गले लगा कर विभीषण को यूं कुंभकर्ण कहने लगे। क्या कहने लगे? कि राम से बड़ा काम है, भैया राम से काम पड़ गया। हाँ तो राम से काम पड़ गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को गले लगा दिया, जब विभीषण ने पैर छुए कुंभकर्ण ने गले लगा दिया और कहा, अरे राम से बड़ा काम है तो राम तेरे काम आए, लेकिन हमारे बाबा जी का जवाब देखिए। राम से बड़ा काम है तो राम तेरे काम आए, अरे राम से बड़ा काम तो राम तेरे काम आए, आम के हैं आम आए। राम के पास पहुंच गए तुम विभीषण, अरे आम के हैं Yeah.
दादू यहाँ पे भाव ये है कि तुम्हारे प्राण भी बच गए, लंका का राजा भी तुम बच गया। इसने कहा अरे आम के हैं हमारे लंका का राजा भी बना देंगे राम, लेकिन मैं भाई से विश्वासघात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई रावण के मैं ये भी जानता हूं कि आंखों पे बड़ा पर्दा। बहुत समझाया कि तुमने सीता का हरण करके गलत किया है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। अरे आंखों पे बड़ा पर्दा, आंखें वो दिखाता है, कुछ कहो तो आंखें दिखाता है। ये मुहावरे हैं। अरे आंखों पे बड़ा पर्दा, आंखें वो दिखाता है। ईमानदारी से कह देना जवाब क्या है। अरे आंखों पे बड़ा पर्दा, आंखें वो दिखाता है। अरे आंखें खुले तब उसकी, आंखें खुले तब उसकी, जब जिंदगी की शाम आए। संदीप जी केवल ये कहना चाह रहा हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाएगा। क्या बात, आंखों पे बड़ा पर्दा, आंखें वो दिखाता है। अरे आंखों पे बड़ा पर्दा, आंखें वो दिखाता है। होना है विनाश कांड में बुद्धि पलट जाती है, क्योंकि अंधे के आगे रोना अपना दीदा है। ये है वो आंखों पे बड़ा पर्दा,
चर्च का भी निर्माण करना है। बिल्कुल, तो सुनिएगा क्रांति जी, सर पे पहाड़ टूटे, सर पे पहाड़ टूटे ये लाल फूल खिले, सर पे पहाड़ टूटे ये लाल फूल खिलाए, गेहूं के साथ समझो पीसा वो भूल जाए। अरे वो तो मरना ही, साथ में हमको भी मरना पड़ा। सर पे पहाड़ टूटे ये लाल फूल खिलाए, गेहूं के साथ समझो, अरे गेहूं के साथ समझो पीसा वो भूल भी जाए। बदले है उसने तेवर, बदले है उसने तेवर, पर साथ है निभाना। बदले है उसने तेवर, पर साथ है निभाना, सूरज को देखो जैसे बस ठीक है। गिरगिट की तरह देखो ना रंग बदल पाए, गिरगिट की तरह देखो ना रंग बदल पाओ, मैं रण में काम आओ पर पीछ ना दिखाओ। गिरगिट की तरह देखो ना रंग बदल पाओ, मैं रण में काम आओ पर पीछ ना दिखाओ, दोनों ही काम में है अंजाम, दोनों ही काम में है अंजाम। अरे दोनों ही काम में है, काम दूसरा है, ये काम दूसरा है, ये काम दूसरा है, काम दूसरा है। राम से बड़ा काम है, अब नाम से बड़ा काम है।